ये यस हो गया हमारा पिज्जा सैंडविच। चले जी शुरू करें। ये क्या था? जल्दी बता, मेरी वीडियो लंबी हो रही है। हाँ चलो, पहला रिव्यू आ गया जी। बताएं सर, कैसा रहा आपको? बहुत शुक्रिया। हाँ जी बताएं फराज भाई। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। उम्मीद है आपके रोजे अच्छे गुजरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे भी अच्छे गुजर रहे हैं रोजे। ठीक है, बड़े अच्छे आराम से गुजर रहे हैं। आज मेरे साथ शमीर साहब हैं। ठीक है, तो किचन में हमें थोड़ा टाइम मिला है, इस टाइम अपने किचन में हूँ। ठीक है, और सोचा कि कुछ हम बनाएं, क्योंकि इसकी फरमाइश है कि सर आज कुछ मज़े का, कुछ डिफरेंट बनाएं, और जो पास हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उनमें, तो इसकी फरमाइश को पूरा करते हुए मैं आप लोगों को भी एक चीज़ सिखाऊंगा, जिसको हम कहेंगे पिज्ज़ा सैंडविच। ठीक है, जो कि शदीद आसान होगा। उसमें आपने करना क्या है, डो की रेसिपी चाहिए आपको, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर कहते हैं तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन मसला ये है कि यार फिर हमारा भी तो फ़ायदा किया करो ना थोड़ा सा। पर जो भी है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बात यह है कि इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी आइडिया दे दूंगा। ठीक है, साथ साथ जो मैं यूज़ करूँगा चीज़ों को, उसका आइडिया भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और आपको चाहिए क्या? एक पीटा ब्रेड चाहिए, चिकन चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, और चीज़ ऑब्वियस चाहिए। ठीक है, ऑलिव्स, जलापेनोज, जो आपके पास पड़ा हुआ है घर में, कुछ भी नहीं, आलू समझ लो यार। आलू पड़े हैं घर में? आलू पड़े हैं कि नहीं? पड़े हैं कि नहीं? पड़े हैं ना, तो आलू से बना लो यार, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कुछ यस, कभी कभी दिल कहता है ना, कुछ क्रेविंग्स होती हैं ऐसे कि यार कुछ आउट ऑफ द सर्कल जाके खाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आउट ऑफ द सर्कल जाके आप किस तरह एक आसान सी चीज़ बना सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव चिकन, मेरे पास कभी कभी चिकन नहीं मिलता था। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि घर में जब मैंने कुकिंग शुरू की तो मामा मुझ पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करती थी। वो ये कहती थी कि तुमने मेरी जो उनका स्टॉक होता था, ठीक है, क्योंकि मंथली स्टॉक आता था, जो स्टॉक होता था वो ख़राब कर दोगे। तो वो मुझे वो हड्डियाँ मिलती थी, या पिंजर जो कहते हैं जिसको, वो मिलता था, मैं उसमें से वो बॉयल करके, ठीक है, उसको यूज़ करता होता था। मतलब कि मैं इस तरह का काम किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद चिकन नहीं मिल रहा, चलो हिम्मत हार ली, उसके बाद मैं वेजिटेबल्स पे आया। और बातें मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, बोर नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, एक अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप लोग थक गए हैं या नए हैं, ठीक है, थक गए हैं आप लोग कि भाई अब क्या बोली जा रहे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो आगे कर देना। ठीक है, लेकिन जहाँ से वीडियो जो रेसिपी स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने यस कमांडो की तरफ करने के लिए। जी मेरे पास डो है, ये लगी हुई पैन में ऑलरेडी, ठीक है, जो कि प्रूव है, ठीक है, प्रूव की हुई है मैंने। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, ये भी पड़ी हुई है गार्निश के लिए। ठीक है, उसके अलावा चिकन चाहिए, टिक्का नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, घर का पुराना सालन बचा है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, ऑलिव्स हैं, एलापिनियोज हैं, और मशरूम्स हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है। और ये है मेरी पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, सीन ये है कि ना, ये एक बेसिक पिज़्ज़ा सॉस है जो कि टमाटो से बनती है, लेकिन इसके अंदर मैंने मायो या क्रीम कुछ भी आप ऐड ऑन करना चाहें तो एक क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए वो ऐड की हुई है बस। ठीक है, अब मैं रेसिपी स्टार्ट करता हूँ और मेरे कैमरामैन मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं? यस सर। चलें फिर तैयार करते हैं आप, यस करें। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो सेंटर है ना, ये चार चीज मैंने लगा दी है, अब उसके बाद मशरूम्स,
ओरिगानो भी डालने अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ओरिगानो अभी नहीं डालेंगे, जब ये हम निकालेंगे तब डालेंगे, उसकी खुशबू अच्छी निकलती है। मगर अब इस वक्त डाल दिया आपने और उसको बेक किया तो ओरिगानो जल जाता है और वो खुशबू अच्छी नहीं आती। तो ये है आपका, ठीक है जी, पिज्जा सैंडविच। अब हम इसको बेक करेंगे, ठीक है। को प्री हीटेड ओवन में 7 मिनट के लिए पकाऊंगा, क्योंकि मेरा एक कमर्शियल ओवन है, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि, ठीक है जी, ये है मेरा कमर्शियल ओवन, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। बट जो घर वाला ओवन होता है, ठीक है, उस पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है, उसमें तकरीबन इसको लग जाएंगे 35 to 40 मिनट्स, ठीक है, उसका टाइम होगा 150, लाइक ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है वो 150 होगा, नीचे वाला भी 150 होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे 280 और यहाँ वाला 200 रखा हुआ मैंने, ठीक है, और इसको हम 7 मिनट के लिए पका देंगे, ठीक है, तकरीबन 7 मिनट इसको टाइम लगेगा और फिर हम इसको निकाल के आपको दिखाएंगे। जो हाँ चलिए, अच्छा जी, आपको क्या चाहिए? तवा चाहिए, ठीक है, सपोज ये एक तवा है, और ठीक है, उसके बाद ये आ गया मेरा सैंडविच, ठीक है जी, ये मेरा सैंडविच है, ठीक है, आग मैंने इसको फुल फ्लो, क्या कहते हैं, लो पे रखनी है, ठीक है, ये तवा आ गया, तवे के ऊपर मेरा पैन आ गया, ठीक है, पैन के ऊपर आपके पास कोई भी लिड होता है बर्तन का, सपोज मेरे पास एक पिज्जे का लिड है, ठीक है, मैं उसे इसको कवर करता हूँ, ठीक है जी, ये हो गया, यस, इतना सा काम है। आपने ओवन नहीं है आपके पास तो आपने इसको ऐसे करना है, और इसके ऊपर कोई वजनी चीज रख देनी है, ठीक है, वजन सपोज मेरे पास है कि ये सॉस वाली बोतल है गंदी सी, ठीक है, मैंने ये रख दी है ताकि इसके अंदर से एयर ना निकले, समझ आ गई, ठीक है। ये आ गया तवा, तवे के नीचे आ गया पैन, पैन के ऊपर आ गया लिड, लिड के ऊपर आ गया एक वजन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये वाला प्रोसेस, बट इसका रिजल्ट अच्छा ही होता है, ठीक है, और आप लोग ट्राई करना अगर आपके पास ओवन यूज नहीं करना तो या नहीं है सपोज, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि भाई क्या सीन है, क्या बोली जा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात की समझ आ गई आपको कि नहीं, ठीक है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, अगर नहीं आई तो फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मुझे मसला कोई नहीं है, ठीक है, यही तो काम है मेरा, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को भी सिखाता हूँ, आप लोगों को भी सिखा दूंगा, इवन मुझे भी सीखना होता है, ठीक है, तो ये जो नई नई चीज़ें होती हैं ना, तो मैं इनसे ही सीखता हूँ। अच्छा बात यह है कि आपको समझ आ गई है कि नहीं आई, ठीक है, मैं ओवन की बात करने लगा था, ओवन नहीं आपके पास, आप तवे पे बना लो, ठीक है, मेरा भाई सैंडविच भी रेडी हो गया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये टीणी नहीं बड़ा फायदा करती है, मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे आवाज़ आ जाइए भाई मेरा ऑर्डर रेडी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे निकलना है, ये बंद कर दे टीटी भाई, बड़ी आवाज़ है इसकी। अच्छा जी, ओके, ये यस हो गया हमारा पिज्जा सैंडविच, थोड़ा सा कलर हो रहा है ना इसको, ठीक है, तो इसको मैं वापस भेज दूंगा, अल्लाह हाफिज़। ओके, उसके बाद जी 2 मिनट बाद देखते हैं हमारा, ओके, यस कमांडो हो गया, ठीक है जी, यस कमांडो चीटा हो गया मेरा पिज्जा सैंडविच, ठीक है, मैं आपको इसको कट वट के दिखाता हूँ कैसा सीन पार्ट होना है, ठीक है, आवाम कटी हो गई पिज्जा खाने के लिए ये, ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं आपको अपना किचन नहीं दिखाना चाह रहा अभी, लेकिन ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, ये जी ये सैंडविच है, और वीडियो हमारी बन रही है इस टाइम की, नहीं बन रही, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको ये शॉर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसके अंदर जो चिकन की स्टफिंग है, मशरूम्स है, वो आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, तो थोड़ी देर तक आपको मैं गेस्ट कराता हूँ, बाहर भी लोगों को खिलाता हूँ, उनके रिव्यूज देता हूँ कि कैसे कहा बना है, चाहे तो इसके चार पीस ही, चार पीस कर दें, क्या कहते हो, चार पीस कर दें, चलो ठीक है, चार पीस कर दें, ज़रा ऊपर करेंगे कैमरा सर ऐसे, ठीक है जी, इसको अच्छा जी, ठीक है जी, ये है जी हमारा पिज्ज़ा सैंडविच, ठीक है जी, यस हो गया, उसके बाद अब सॉस लगाते हैं और ऑरिगानो लगाते हैं एंड रेड चिली लगाते हैं, ओके जी, अभी आ गई रेड चिली, उसके बाद आ जी ऑरिगानो, उसके बाद हो जाएगा ये यस, ठीक है, मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ, एक हाथ ने कैमरा पकड़ लिया, तो इससे कुछ इधर उधर हो रही है चीज़ें, लेकिन आपको उम्मीद है समझ आ, यस कमांडो जी हाँ, ठीक है जी, ये हमारा पिज्जा सैंडविच, ठीक है, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, मैं सबके रिव्यूज लेता हूँ और पूछता हूँ कि कैसा हमारा जुगाड़ रहा, ठीक है, ओके, यार एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं शमीर, हमारा यहाँ पे जो पिज्जा बन रहा था वो तो हम दिखाया ही नहीं, वाह, ये आपके साथ प्रैंक हो गया, ठीक है, ये कुछ भी नहीं था लेकिन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, बात नहीं चाहिए, आज बचे हो, आज पालो पिज्जे वाला आया अजय, यार चले यार आप लोग टेबल्स पे चले यार, आ रहे हैं प्रोटोकॉल मिलेगा आप सारों को, ठीक
चलें जी शुरू करें। ओह कैमरा मैन आए जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए चेक करना है यार लगो वीडियो बेल पहले जल्दी जल्दी बताना है आपने ठीक है। ओ फोर राशि पड़ गया यार इतने मासूम क्यों बने हुए हैं जल्दी आए राजू भाई मुझे ऑनेस्ट बताना है कैसा रहा है ठीक है। ये नहीं कहना बुरा लगेगा वरना मैं बता रहा हूँ अच्छा ही बनेगा ये नहीं कहना बुरा है हाँ जी ओहो जल्दी इतना टाइम राजू जी आपको शर्म आ रही है तो फिर खाए ना जल्दी हाँ जी यार कितने बुरे लग रहे हैं मैं मौत स्लो नहीं होता मौत हाँ जी ये क्या था जल्दी तो मेरी वीडियो लंबी हो रही है हाँ चलो पहला रिव्यू आ गया जी बताएं सर कैसा रहा आपको बहुत शुक्रिया हाँ जी बताएं फराज भाई क्रीमी है चीज़ी है बहुत एक ना यूनिक चीज़ है चले शुक्रिया सर कैमरा मैन आप बताएं नहीं बताएं क्या बहुत मजे का है और जो भी जो हमें देख रहे हैं वो सब लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा ओके बहुत मजे का आपको जरूर मजा आएगा अच्छा जी बहुत शुक्रिया बहुत मजे का अच्छा जी हाँ जी आप बताएं इसमें सबसे मजे की बात यह है कि हर बाइट पे फ्री है आपको हर इंग्रेडिएंट का पता चलता है बहुत फ्रेश और बहुत ही मजे बहुत शुक्रिया जी लगता पसंद आ गया ठीक है जी पिज्जा लग गया हमारा हम जा रहे हैं अपने ऑर्डर की तरफ ठीक है जी मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद यार अच्छा ठीक है समझ आ गई आपको ठीक है मेरे सारे भाइयों को और दोस्तों को पसंद आ गए जो मैंने कुछ चीज़ बनाई थी ठीक है तो आप लोगों को भी समझ आ गई होगी अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं फिर पूछ लेना मैं बता दूंगा मसला कोई नहीं मैं हर बार यही कह रहा हूँ आपको क्योंकि मसला नहीं रखना कोई भी ठीक है पूछ लेना मुझसे कमेंट करके मैं वो पूरा बॉक्स खाली पड़ा होता है ठीक है इसलिए नहीं रखना खाली इसको बांट देना बेशक गंदे कमेंट से कर देना कोई मसला नहीं बांट देना आपने ठीक है लेकिन बात यह है कि जो भी है अपना ख्याल रखें दोस्तों का ख्याल रखें और ऐसी किसी की चीज़ें बना के खिलाते रहे अगर आपके पास चिकन नहीं है मेरे पास भी मैंने आपको कहानी सुनाई है जो भी होता था ठीक है प्लीज़ ट्राई करें आप जो भी है ठीक है आलू की टिक्की भर दें शामी कबाब भर दें जो भी आपके पास बची हुई सब्जी भर दें अंदर ठीक है कोई मसला नहीं और आपको मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसको यस कर सकते हैं मतलब आपको मैंने तवे पे भी बता दिया तरीका कि आपको किस तरह बना सकते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है मैं इवन तांबिये में बनाया करता था जब ओवन मेरे पास नहीं था और छोटा था तो मुझे यूज़ करने की इजाज़त भी नहीं थी मामा के बगैर तो मैं इस तरह का काम करता होता था ठीक है तो आप लोग भी कर सकते हैं और हर चीज़ बड़ी आसान होती है उसको ईजी लें और यस कमांडो फेरी जाएँ और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें भूलना नहीं है ठीक है अल्लाह हाफिज़ बाय।